चुके हैं कलश यात्रा लेके जाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। देखिए माननीय आदमी कलश ले रहे हैं, धरना के सबसे ऊपर माननीय आदमी। यहाँ पे इतनी संख्या में लोग जुट चुके हैं कलश यात्रा में जाने के लिए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था है, जो लोग पैदल नहीं आ सकते उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था है। अभी धीरे धीरे ये मैदान भरता हुआ जा रहा है, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और जब संगम पूरा हो जाए तो वह हाथ का जो दक्षिणा है पंडित जो जाएंगे इनके इनको दे दीजिएगा, और जो हाथ का चावल है उसको कलश के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद बैठे रहिए, जैसे निर्देश दिया जाएगा कि प्रस्थान करना है वैसे आप लोग लाइन लगा दें, दो लाइन में कार्यकर्ता निर्देश देंगे। कोई मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। ये हमारे मिंटू भाई भी हैं, यहाँ पे कलश रखा हुआ है और काफी संख्या में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पे कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लगभग पूरा भर चुका है लोगों से, और हम लोग कलश यात्रा लेके निकलेंगे गंगा किनारे केशवपुर घाट में। थोड़ी देर में यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, चलिए एक नज़र आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग माताएं बहनें भी आई हुई हैं कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग आना बाकी हैं। अब हाँ दे 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 थोड़ी देर में यहाँ से कलश यात्रा आरंभ होगी, जाएंगे हम लोग केशवपुर घाट में। केशवपुर घाट में कलश यात्रा का पूरा मास निकालो, मुंह मास निकालो, मास निकालो। यहाँ पे हमारे गांव के सारे बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग सरदार लोग आए हैं। जय माता दी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। यहाँ पे मास्क भी बांटे जा रहे हैं, काफी सुविधा है यहाँ पे। देखिए मास्क बांटने वाला मास्क नहीं, ये गोलू बाबा भी टाटा से आया हुआ है कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। हाथ में कलश लेके सभी लोग अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं। मास्क बांटने वाला भी मास्क नहीं पहना है, इसको देखिए क्या कौन सा गाड़ी लेकर फलों भैया अपना चेहरा दिखाओ, कहाँ से आए हो तुम, किस गाँव करने वाले हो? ऑस्ट्रेलिया से हम लोग आए रहे। यहाँ पे फूल माला का वितरण हो रहा है। ये पंडित सोनूनाथ जी भी अपना सेवा देने में लगे हुए हैं। प्रकाश काफी दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। मंदिर प्राण प्रतिष्ठान एवं सप्तचंडी महायज्ञ का आज पहला दिन है, आज जलभरी है, जलभरी में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग का आना बाकी है। धीरे धीरे सभी लोग यहाँ इस मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर में कलश यात्रा आरंभ होगी केशवपुर घाट के लिए, और थोड़ी देर में सब लोग निकलेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं माइक में अनाउंस भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं आए हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है माइक के माध्यम से। यहाँ पे फूल माला का भी पूरा व्यवस्था है, काफी संख्या में लोग आ चुके हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। आप देख सकते हैं माता बनाए सब लोग लाइन से लगा के बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कलश यात्रा आरंभ होगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या में
लोग आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पे भी कुछ जंतु लोग हैं, पूरा गांव कलश यात्रा में सम्मिलित है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। यहाँ पे सुन सकते हैं पंडित जी के द्वारा मंत्र का उच्चारण हो रहा है। जो भी कलश यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं लोग, संकल्प यात्रा के साथ में कलश यात्रा प्रारंभ होगी थोड़ी देर में यहाँ से। अभी यहाँ पे जो महाराज जी हैं संकल्प यात्रा संकल्प करवा रहे हैं। यहाँ पे जितने सारे श्रद्धालु लोग हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कोई जात बात पता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग यहाँ पे समूह में बैठे हुए हैं। कपालिनी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने सब चंडी महायज्ञ का पहला दिन आज से जलभरी स्टार्ट हो जाएगा। 14 से लेकर 20 तक यज्ञ होने वाला है। आज जलभरी समाप्त होने के बाद यज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महाराज जी मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे बहुत सारे जन सैलाब उमड़ा हुआ है कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ पे कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। यहाँ इस भीड़ में देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मताए पहने सभी लोग पूरा सम्मिलित हैं। सब लोग अपना साथ दे रहे हैं कलश यात्रा में जाने के लिए। सब लोग रेडी हैं, काफी संख्या में मताए पहने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। काफी संख्या में जेंट्स लोग हैं। और
वैष्णव जैन शराब उमड़ हो आप देख सकते हैं जलभरी में कितनी संख्या में घोड़े हाथी ऊंट सभी लोग हिस्सा लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जाएंगे यहाँ से गंगा घाट किनारे केशवपुर में जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आपको जलभरी का नज़ारा दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग हाथ में कलश लेके गंगा किनारे गंगा घाट पर जा रहे हैं। मास्क की भी व्यवस्था है यहाँ पे, कोविड गाइड का पालन करते हुए हम सभी लोग जलभरी में सब लोग कलश यात्रा में लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऊंट की बहुत सारे लोग हैं जो ऊंट की सवारी भी कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं कलश यात्रा में। आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं कलश यात्रा में। सब लोग सम्मिलित है, हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे। आप वीडियो के माध्यम से देखते रहिए और कलश यात्रा का आनंद लीजिए। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत संख्या में माताएं बहने लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डीजे की व्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं, काफी संख्या में लोग हैं। सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग झंडा लेके चल रहे हैं, कुछ लोग कलश यात्रा हाथ में लेके जा रहे हैं। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, कैमलेस। ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठान और सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है हमारे गांव लाहौर फरना से। काफी संख्या में लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। चलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो के जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बड़ा कुछ देर ले लो, लास्ट ले लो। आप देख सकते हैं ये कितना रास्ता कितना खतरनाक है। इसी रास्ते से होकर सभी लोग जा रहे हैं, सारे कलश यात्री जो हैं जो कलश लेके श्रद्धालु लोग हैं इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। यहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट बिछाया हुआ है, काफ़ी संकरा रास्ता है। इसी रास्ते से होकर सारे श्रद्धालु लोग जा रहे हैं। गंगा घाट से लोग जल यात्रा लेके निकलेंगे वापस फरना गांव काली मंदिर स्थान। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हैं जल भरने के लिए। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आए हुए हैं कलश यात्रा में। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जल भरी में।
उन्हें तो पूरा था नहीं कोई कहीं इनको ए बबलू अरे बाप रे फोटो खींचे बेचारे सारे भाई 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 दुआ में है हां अरे कहां मत दिला फिर भाई साइड में पेन ए भोलू का कपड़ा कहां से मिले मार्केट करा चल भाई ए भाई फोन में ही जा देखो भाई बड़ा जल्दी आ गए जी। अरे तो तुल हितना था भाई गांव के। यहाँ पे जो पूजा हो रही है वो यज्ञ कुंड के लिए हो रही है। यहाँ पे लोग हवन कुंड में भाग लेने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे स्पेशल पंडित जी के द्वारा पूजा कराई जा रही है और लोग जल भर के यहाँ पे धीरे धीरे लोग निकल चुके हैं। यही गंगा घाट है केशवपुर का, यहाँ से हम लोग जल लेके निकल रहे हैं धीरे धीरे वापस अपने गाँव। लगभग 8-9 किलोमीटर की कठिन पद यात्रा करने के बाद यहाँ पे कलश रखा जा रहा है। काली स्थान के पीछे कलश रख रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लंबे कलश की लाइन लगी हुई है। लगभग 8 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद हम लोग वापस अपने गांव माँ काली स्थान में कलश में जल भर के आ चुके हैं और अभी मंदिर के स्थान का परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। काफ़ी जोखिम भरा रास्ता था, काफ़ी कटिला संकरा रास्ता था। अभी तक सुबह से पूरा पैर में फोड़ा हो गया है, पूरा पैर में छाले पड़ गए हैं। काफ़ी कठिन यात्रा से हम लोग होके गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में उत्साह नज़र काफ़ी देखने को मिल रहा है, बहुत सारा उत्साह नज़र देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग मंदिर की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। तीन आदमी भरी भाई जितने रहता है।